बालों को कलर करने के लिए अगर आप ऑर्गेनिक हेयर कलर डाइस यूज करते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक हेयर कलर डाइस यूज करते हैं, हिना या इंडिको बेस्ड कलर्स यूज करते हैं, एक बेसिक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों को आती है और वो है ड्राइनेस, फ्रिजनेस, ब्रिटलनेस और रफ हेयर की। बेसिकली ये प्रॉब्लम सबको तो नहीं आती है, लेकिन जिनके लो पोरोसिटी हेयर होता है उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है जब भी वो कभी हिना या इंडिको बेस्ड डाइस यूज करते हैं। तो बेसिकली ऐसी डाइस को यूज करने के बाद में एक हाईली डीप कंडीशनिंग शैम्पू की जरूरत पड़ती है जो आपके बालों को, क्यूटिकल्स को स्मूथ करे, नरिश करे और कंडीशन करे, और जो ड्राइनेस और फ्रिजनेस है उसको बिल्कुल कंट्रोल कर ले। तो इसीलिए आपकी इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली रूट से सॉल्व करने के लिए आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे दो चीजें शेयर करूंगी। एक शेयर करूंगी मैं आपसे आप कैसे अपने शैम्पू को बहुत ही डीप नरिशिंग कंडीशनिंग शैम्पू में बना करके अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा आप एक कैसे पोस्ट शैम्पू सीरम लगा करके अपने क्यूटिकल्स को स्ट्रेट करके अपने बालों में रफनेस और फ्रिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में अमेजिंग इन दोनों टिप्स को देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑल पर हिट करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रीति और आप सबका बहुत ही वार्म वेलकम इस चैनल पर। इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल पर मैं शेयर करती हूँ ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड अमेजिंग होम रेमेडीज और स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ऐसी रेमेडीज और प्रोडक्ट्स जो आपकी स्किन के साथ साथ आपकी हेल्थ का कंप्लीटली ध्यान रखते हैं, बिकॉज टॉक्सिन फ्री होते हैं और केमिकल फ्री होते हैं। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द फर्स्ट रेमेडी, इसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए एक बड़ा सा कोकोनट का पीस। वही कोकोनट जिसमें पानी होता है उसको आप लीजिए, उसका एक बड़ा सा पीस लेकर के उसको वॉश करके एक छोटे छोटे पीसेस में कट करिए। बेसिकली कोकोनट में बहुत सारी फैटी एसिड्स होती हैं जो आपकी स्किन के साथ साथ आपकी बालों को नरिश करती हैं। ये फैटी एसिड्स जो आपके क्यूटिकल ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, उनको मॉइस्चर देती हैं। अब इसके बाद जो हमको दूसरी चीज चाहिए वो चाहिए एलोवेरा जेल। बॉटल वाला बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप एक्चुअली में अपने हेयर को नरिश करना चाहते हैं, मॉइस्चराइज करना चाहते हैं, डीप 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 कंडीशनिंग करना चाहते हैं, तो एलोवेरा से अच्छी कोई चीज ही नहीं होती है। जिसने आज तक एलोवेरा को यूज नहीं करा है उसको एक बार आप यूज करके देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि एलोवेरा कितना हाईली नरिशिंग, हाईली मॉइस्चराइजिंग ग्रेडिएंट होता है आपके बालों के लिए। बेसिकली आपने एलोवेरा की लीफ ली, उसको पील करिए, उसके अंदर का जितना भी जेल है उसको स्क्रेप करके कलेक्ट करके निकाल लीजिए और फिर इसको अपने कोकोनट के साथ में बोल में ऐड करिए। अब इसके बाद में हमको इसमें ऐड करना है 1-2 टीस्पून ऑफ आमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल। इन दोनों में से कोई भी ऑयल आपके पास है इसको यूज करिए, नहीं है कैस्टर ऑयल है तो 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल इसमें ऐड करिए। इसके बाद इसमें ऐड करिए 1-2 टीस्पून ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में बेसिकली मॉइस्चर को ट्रैप करने की क्वालिटी होती है और जो आपके क्यूटिकल्स होते हैं वो फ्रिजी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब उनमें मॉइस्चर कम होता है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए ओपन करते हैं अपने आप को। तो बेसिकली जो ग्लिसरीन है वो आपके जो क्यूटिकल्स हैं उनमें मॉइस्चर को सील कर देती है, लॉक कर देती है, इसलिए ये आपके बालों में ड्राइनेस और फ्रिजीनेस के लिए बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट है। एलोवेरा भी बेसिकली आपके मॉइस्चर को ट्रैप करता है, इसीलिए एलोवेरा आपके बालों के लिए एक ब्लेसिंग है। तो आपने ये सारी चीजें ली, अब इसमें आपको ऐड करना है 1-2 विटामिन ई के कैप्सूल्स, बिकॉज ये विटामिन ई के कैप्सूल्स आपके क्यूटिकल्स को नरिश करेंगी, डीपली कंडीशन करेंगी, स्मूदन करेंगी। अब इन सारी चीजों को आप अच्छे से ब्लेंडर में डालिए, अच्छे से ब्लेंड करिए, बिकॉज हमने कोकोनट का मिल्क डायरेक्टली नहीं लिया है, कोकोनट के पीसेस लिए हैं। तो अब क्योंकि इसमें हमने कोकोनट डाला है तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये ड्राई हो रहा है तो आप एलोवेरा जेल की क्वांटिटी इंक्रीज कर दीजिएगा, पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, ब्लेंड करके बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। इसके बाद में इसको स्ट्रेनर में डालिए, स्ट्रेन करिए। स्ट्रेन करने के बाद में अब ये जो आपके पास में नीचे एक कॉन्कॉक्शन आपको मिला है, ये इतना हाईली नरिशिंग कॉन्कॉक्शन है, अभी आपको जितनी क्वांटिटी में मिला है, अगर आपको 1 कप मिला है तो सेम उतनी ही क्वांटिटी में आपको इसमें अपना ऐड करना है शैम्पू। कौन सा शैम्पू? वही शैम्पू जो आप रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं, वही शैम्पू आप इसमें ऐड करिए। अगर आपके पास में कोई भी शैम्पू नहीं है तो बहुत अच्छी चीज है, आप लिक्विड कैस्टर सोप खरीद सकते हैं, उसको आप इसमें डाल करके अपना खुद का शैम्पू क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने ये सारी चीजें इसमें डाली,
अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद में इसको एक अच्छे से कोई भी शैम्पू बॉटल में, खाली शैम्पू बॉटल में या जार में, किसी भी चीज में आप स्टॉक करके, स्टोर करके रख सकते हैं। आराम से ये एक महीने तक आपका शैम्पू चलेगा। इस शैम्पू को डेफिनेटली ट्राई करिए, यूज करिए, बनाइए, अमेजिंग रिजल्ट्स आपको देगा। डीप मॉइस्चराइजिंग, डीप कंडीशनिंग, जितने भी शैम्पूस आप ढूंढते रहते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि कौन सा शैम्पू यूज करें हेना के बाद में, तो इसको ट्राई करके देखिए। अब देखते हैं बहुत ही अमेजिंग माइंड ब्लोइंग हेयर सीरम जो आपको पोस्ट शैम्पू यूज करनी है। तो इस सीरम के लिए सबसे पहले आपको लेनी है कांच की बोल, उसमें आपको ऐड करना है कौन सा एलोवेरा जेल जो मार्केट से आता है, या मार्केट जैसा अगर आपको आता है बनाना घर पे तो आप उसको बना सकते हैं। उसका वीडियो मैंने शेयर करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। एलोवेरा जेल कैसे बनाना है आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो आपने इसमें ऐड करा अराउंड 6 to 7 टीस्पून ऑफ एलोवेरा का जेल। अब इसके बाद में आपको इसमें ऐड करना है 2 टीस्पून ऑफ ग्लिसरीन। अब इसमें ऐड करिए 1 to 2 कैप्सूल्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई की कैप्सूल को क्रश करिए, उसके अंदर का जेल निकालिए और इसमें ऐड करिए। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 teaspoon ऑफ आमंड ऑयल। इन सारी चीजों को आप ब्लेंडर में ही ब्लेंड कर सकते हैं, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल एक क्रीमी सिरम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये क्रीमी सिरम में कन्वर्ट हो जाए ब्लेंड होने के बाद में, आप इसको एक कांच की बोतल में सारा ट्रांसफर कर लीजिए। अब आप इसको भी स्टोर कर सकते हैं अराउंड 2 months, क्योंकि इसमें हमने कोई भी फ्रेश चीज नहीं ऐड करी है। जिस वक्त आप हेयर वॉश करते हैं उसी वक्त ही अपने सारे जो बालों की जो लेंथ होती है उसमें आप इस सीरम को अच्छे से मसाज करते हुए लगा सकते हैं। उसके बाद में इसको आप लीव इन की तरह भी छोड़ सकते हैं, या फिर लास्ट रिंस में आप पानी से वॉश भी कर सकते हैं। आपके जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, फ्रिजनेस की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी। तो बेसिकली जब भी आप हेना लगाते हैं, इंडिको लगाते हैं, उसके साथ में आप इन दोनों रेमेडीज को जरूर ट्राई करिए। तो डेफिनेटली इनको बनाइए, यूज करिए और अपनी जो ड्राइनेस और फ्रिजनेस की प्रॉब्लम है हेना और इंडिको लगाने के बाद में उसको सॉल्व करिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन ऑल पर जरूर हिट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केयर ऑफ योरसेल्फ।